आज मैं आपको घर की बेसिक चीज़ों से बेसन और आटे की कतली बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने में भी होती है। मेवा भी आप डाल सकते हैं इसमें और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैंने आटा और बेसन की देखिए बर्फी बनाई है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये काजू बादाम जो मैंने तल लिए थे, और ये एक कटोरी आटा और एक कटोरी ये बेसन है, और इसको मुझे भूनना है अभी। और ये मैंने लिए खरबूजे की मींग और मखाना, जो मैंने इनको तल लिया है अच्छी तरीके से। अब मैं सबसे पहले आटे को भूनूंगी, जैसे बेसन के लड्डू को आटा भूनते उसी तरीके से मुझे प्रॉपर तरीके से इन दोनों को भी ऐसे उसी तरीके से भूनना है। जो अच्छे से ये भून जाए तो घर में अच्छी खुशबू रसोई में आ जाती है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। ये देखिए आराम से चलाते रहना है, क्योंकि जले ना, जल जाएगा तो इसका स्वाद ही सब बेकार हो जाएगा। ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट थे, इसको मैं कट कर लूँगी क्योंकि ये साबित थे बिल्कुल, और मैं इसको कट करके मिक्सी में भून लूँगी, क्योंकि नहीं तो कतलियों में मैं ये डालूँगी तो ज़्यादा ही मोटी मोटी रहेगा, इसलिए इसको मैं पीस लूँगी तो ये महीन रहेगा। ये अब है, मैं चाशनी भी बना लेती हूँ उधर। ये 1 कप मैंने पानी लिया है, ये 1 कप पानी है और ये 1 कटोरी चीनी है, 1 कटोरी चीनी। अब इसको अच्छी तरीके से चलाना है, अच्छी तरीके से चाशनी ये एक तार इसमें बन जाए। अब ये मैंने पीस लिया है काजू बादाम, सारी मेवा मेरी पीस चुकी है, तो उधर बेसन भी भुनने पे आ ही गया है। ये बेसन जो है भुन ही गया है, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिए क्योंकि कढ़ाई अभी गरम है, तो इसको अच्छी तरीके से चलाते रहना। ये चाशनी बन रही है, इसमें एक तार बन जाएगा तो चाशनी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए चाशनी बन के रेडी हो रही है, बनने पे आ गई है, चीनी भी पूरी प्रॉपर तरीके से घुल गई है इसमें, और बेसन बिल्कुल सही से भुन गया है। बस अच्छे से ये भुन चुका है, अब चाशनी बन के तैयार हो गई है, तो हमें इसमें अब डालना है फटाफट। इस थाली में कतली जमनी है, तो इसमें मैंने घी को लगा दिया है, इसमें मैंने घी को अच्छी तरीके से देसी घी लगाना है, क्योंकि कतली जमानी है तो इसमें चिपकेगी नहीं, इसलिए मैंने थाली में लगा दिया। अब चाशनी बन के तैयार हो गई है, तो इसमें फटाफट हम मटेरियल डाल देते हैं जो हमने भून के रखा था, और सारी मेवा इसमें हमने मिक्स कर लिए। सारी मेवा फटाफट इसमें हम इसको घोल लेते हैं कि इसमें कहीं लम्स ना पड़ जाए, इसको अच्छे से फटाफट चलाना है और फिर थाली में डाल के कतली जमानी है। इसलिए अब ये देख लीजिए फटाफट, पतिदेव की आज फरमाइश थी तो इसलिए मैंने ये कतलियाँ बनाई हैं, और उन्होंने कहा था तो मैंने फटाफट ये सबको कुछ बनाया, कुछ उन्होंने भी मदद करी थी बनाने में मेरी। ये देखिए कतली जम गई है, अब इसको हम चाकू से कट कर देते हैं। अब हम चाकू से इसको काट देते हैं, चाकू से सारी कतलियां कट गई हैं। अब इसको थोड़ी सी देर हमको ठंडा होने देते हैं, फिर इसके पीसेस निकालेंगे। ये ठंडी हो चुकी है, अब देखिए इस तरीके से इसके पीसेस निकलेंगे, और कतली बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही सभी लोगों ने इसको जब खाया तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ करी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। आप लोग बनाएं बेसन और आटा डाल के कतली, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और कमेंट भी जरूर करते रहिए कि अच्छी बनी है या नहीं, मुझे कुछ तो आप लोग बताएं क्या कैसी बनी है। ये प्लेट में मैंने लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी बन गई है ना, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप लोग खाएं, आप लोग बनाएं तो मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।